नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप देख रहे हैं इस समय सिटी लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज हम आपके लिए वो बात लेकर आते हैं जो कि आपकी बात है, यानी कि आपकी बात हमारे साथ। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं देश के जाने माने कवि हैं, साहित्यकार हैं, चित्रकार हैं, अशोक अत्रे जी, और साथ में हमारे रहेंगे अनिल भागवत जी, जो भी देश के जाने माने रंगकर्मी हैं और समाज सेवी भी हैं। आप अनेक टीवी सीरियल्स में भी हमें नजर आते रहते हैं। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सीधा सीधा मैं सवाल करना चाहूंगा यहाँ सीधे अशोक अत्रे जी से, जो कि हमारे वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, कवि भी हैं और एक बहुत अच्छे इंसान है। अशोक जी, अभी इस समय जो माहौल चल रहा है COVID-19 का, जो महामारी पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, ऐसी स्थिति में आप जी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो महामारी है वो विश्वव्यापी है और ये पहली बार ऐसा संकट विश्वव्यापी पैदा हुआ है जिसने सारी दुनिया को हिला दिया है। न केवल जी हिंदुस्तान बल्कि समूचे विश्व में मानवता संकट में आ गई है और इसको हर तरह से इसको समाप्त करने के लिए हमको एक बहुत बड़ी इच्छुकता की, साहस की और मेडिकल जो फैसिलिटीज है उनको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता। इससे जो संकट पैदा जी होगा उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए सारे समग्र विश्व को एक होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में एक यही संदेश है कि सभी दुनिया के लोगों को लड़कर के एकता के साथ इसके खिलाफ लड़ना है ताकि बहुत जल्दी हम इससे विजय प्राप्त करें और संग्राम जी में हमारी विजय हो, हम कोरोना को हमेशा के लिए दफना दें, हमेशा के लिए खत्म। जी निश्चित रूप से जरूरत है कि पूरे विश्व को एक साथ इकट्ठे होने की, यानी कि सारी हमारी जो मुट्ठियां हैं वो इस तरह बंद करने की है। सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी हमारी जो मजबूती है वो सामने नजर आएगी। अनिल भागवत जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लगातार आप स्टेज आर्टिस्ट भी हैं, आप टीवी सीरियल्स भी करते हैं, अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात होती रहती है, लेकिन अब क्योंकि आप चार दीवारी के अंदर अपने घर पर बैठे हैं, तो आप जी क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जी हमें अगर कोरोना को हराना है तो एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है सम्मान करना। हमें सम्मान करना होगा जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं जी उनका, हमें सम्मान करना होगा जो हमारे कोरोना फाइटर्स हैं जो कोरोना के विरुद्ध लड़ रहे हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जी नर्स हैं और सफाई कर्मी हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें सम्मान करना होगा खुद कोरोना का। कोरोना को हम अगर साधारण तौर पे लेके चलेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे और लापरवाह हो जाएंगे तो फिर यह महामारी हमारे बस में नहीं आएगी। तो मैं जहां तक समझता हूँ, हम इन चीजों का सम्मान करके चलेंगे, हर चीज का पालन करेंगे, अपने घर में बने रहेंगे तो कोई जी बड़ी बात नहीं है कि हम कोरोना जैसी महामारी से बाहर निकल सके। निश्चित तौर पर अनिल जी, आपका कहना सही है। हम यहाँ पर सीधे सीधे हमारे सवालों पर आते हैं कि जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने या वर्ल्ड वाइड जितने भी जो लीडर्स हैं, जो WHO से जुड़े हुए लोग हैं या स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी का ये कहना है कि आप चाहे स्वस्थ हैं चाहे अस्वस्थ हैं, चाहे आप कोरोना से संक्रमित क्यों नहीं है, उसे डरने की आवश्यकता कतई नहीं है, उससे लड़ने की आवश्यकता है। और उनका यह भी मानना है कि हम जहां पर हैं वहीं पर रहें, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में सबसे बड़ा खतरा है। कल हमने जो मुहिम छेड़ी थी उसका काफी व्यापक असर जो है हमें देखने को मिला है और अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं वो सामने आए हैं, वो भी अपने विचार जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमने जो कल कार्यक्रम किया था उसमें हमने यही कहा था कि चाहे वो जयपुर का रामगंज इलाका हो, चाहे टोंक हो, चाहे झुंझुनू का हो, चाहे बीकानेर हो, यानी कि राजस्थान का कोई भी वो इलाका हो जहां पर कोरोना के संक्रमित मरीज जो है ज्यादा हैं, उन्हें उसी स्थान पर या वहीं पर आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं या जो सरकारी स्कूल हैं या जो ऐसी जगह हैं जहां पर उन्हें क्वारंटाइन किया जाए और वहीं पर उनका ट्रीटमेंट किया जाए। क्योंकि ये कुछ ये भी सुनने में आया था कि सरकार एक जगह से उनको अलग अलग क्षेत्र के, जयपुर की बात करें तो जयपुर के अलग अलग क्षेत्रों में उन मरीजों को ले जाकर उनका ट्रीटमेंट शुरू करने का सोच रही है। इस पर हमने एक मुहिम चलाई थी कि जयपुर और राजस्थान के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं अशोक जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें वहीं पर उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए या उनको पूरे जयपुर के या पूरे दूसरे शहरों के अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए।
क्योंकि अगर अलग अलग जगह उन्हें भेजा गया तो हो सकता है वहां पर भी संक्रमण की संभावना जो है वो ज्यादा बढ़ जाए। अशोक जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्थिति यह है कि राजस्थान में कोरोना का जो संक्रमण है वो अचानक एकदम से बढ़ा है और 800 से अधिक मरीज जो है कोरोना के संक्रमित मरीज आइडेंटिफाई हो गए हैं। वो विशेष रूप से रामगंज का जो एरिया है उसमें 80 से अधिक संक्रमित लोग हैं और उसमें 77 तबलीगी जमात के हैं। तो संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैला है और उसकी वजह से भीलवाड़ा में पहले जो शुरुआत हुई भीलवाड़ा बहुत कंट्रोल्ड है और लोग चाहते हैं कि वो मॉडल भीलवाड़ा का मॉडल है वो उसको अडॉप्ट किया जाए और उस तरह से हम इसको रोकें। तो निश्चित रूप से हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि संक्रमण नहीं फैले। तो इसके लिए जो अलग अलग सेंटर्स हैं उनको हम विकसित करें बजाय एक जगह कंसंट्रेट करने के। तो आपका सुझाव सही है कि जो नियरेस्ट बस्तियां हैं जो नियरेस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां हम संक्रमित लोगों को ले जाएं और उनको वहां पर उसके लिए ट्रीटमेंट करें बजाय एक जगह कंसंट्रेशन करें और उसका संक्रमण फैले। तो मेरे ख्याल में भीलवाड़ा मॉडल एक बड़ा बड़ा मॉडल है और उस मॉडल के हिसाब से हमें अलग अलग जगहों पर जैसे कोटा में और सीकर में उदयपुर में टोंक में जो संक्रमण फैल रहा है उसको रोकें और एक निश्चित जगह पर सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए बेस्ट पॉसिबल इलाज से हम लोगों को बचाएं और इसको संक्रमण को रोकने की कोशिश। जी निश्चित रूप से अशोक गहलोत सरकार या अशोक गहलोत खुद भी इस बात पर काफी अड़िग हैं कि उनका ट्रीटमेंट जो है वहां नए जो हॉस्पिटल्स बनाए जाएं कोई प्राइवेट बिल्डिंग को भी हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन इस काम में हमें लगता है कि थोड़ी देरी हो रही है। सरकार को इसमें और तेजी लानी चाहिए, चाहे सामाजिक संगठनों से सहयोग भी अगर लेना पड़े तो उन्हें लेना चाहिए। अनिल जी आप इस सवाल पर क्या कहना चाहेंगे कि उनका ट्रीटमेंट जो है अलग अलग जगह पर जाकर होना चाहिए या वहीं पर होना चाहिए? देखो साहब एक बात समझता हूं मैं, यह शहर मेरा है, इसको बचाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उससे कहीं ज्यादा मेरी है। अगर मैं स्वस्थ रहूंगा तो मेरा शहर स्वस्थ रहेगा, मेरा देश स्वस्थ रहेगा। सरकार ने गाइडलाइन इश्यू की कि भाई लॉकडाउन है, आप घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जो जहां है वही रहे। लेकिन एक गंभीर प्रश्न, मेरा डर, मेरी चिंता एक ही बात पे उभर कर सामने आ रही है कि सरकार ने जब कहा है कि जो जहां है वही रहे उसी का वो पालन नहीं कर रही है। भाई हमारे कोरोना का एपिसेंटर है रामगंज, सबसे ज्यादा केस वहीं से आए हैं, सरकार ने अच्छा कदम उठाया, उसको सील कर दिया, काबिले तारीफ है। लेकिन ये बात तरह से हुआ नहीं है अनिल जी, अभी भी वहां पर जो बाहर के लोग हैं उनका आना जाना शुरू है। जिस तरह भीलवाड़ा का मॉडल था, क्या सख्ती से वो भीलवाड़ा मॉडल यहाँ पर लागू क्यों नहीं हो पा रहा है, आप क्या मानते हैं? देखो अभी मैं एक बात पूरी करता हूँ कि ठीक है कि उन्होंने कितना किया कितना नहीं किया अभी पूरी बात मैं नहीं बताऊंगा, पहले ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने सील किया, वहां जो मरीज मिले उनको क्वारंटाइन किया। अब बताइए संक्रमित मरीज रामगंज के हैं उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं मानसरोवर में, जगतपुरा में, अचरोल में, यानी जो शहर के इलाके संक्रमण से मुक्त थे संक्रमण वहां तक लेके जा रहे हो, तो आपकी उस बात का तो पालन नहीं हुआ कि आपने कहा था कि जो जहां है वही रहे। और रही भीलवाड़ा मॉडल की बात, तो आप सही कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह से भीलवाड़ा मॉडल जयपुर में लागू नहीं हुआ है और यहाँ आवश्यकता है भीलवाड़ा मॉडल को पूरी तरह से लागू करने की। हमारी चिंता इसी बात को है कि जब तक भीलवाड़ा मॉडल लागू नहीं होगा हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे रोज दिल में एक क्वेश्चन उठता है, एक आशंका जन्म लेती है कि आज ये नया केस मिला है इसको कौन से क्वारंटाइन सेंटर में ले जाएंगे, कहीं वो क्वारंटाइन सेंटर मेरे इलाके में तो नहीं है, वो संक्रमण मेरे तक तो नहीं आएगा। अब वो कह रहे कि साहब पूरी तरह से सैनिटाइज करते हैं, वो करते हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि कोरोना का वायरस जूतों पे 5-6 दिन तक जिंदा रह सकता है। और रामगंज से जो बाहर का इलाका है वो पूरी तरह से लॉकडाउन तो है भी नहीं, वो तो खुला है, तो जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां से संक्रमण आसानी से मेरे घर के दरवाजे तक आ सकता है। तो मेरी तो यही अपील है सरकार से कि जो भी क्वारंटाइन सेंटर बनाने हैं, जो जहां पेशेंट मिल रहा है वहीं बनाइए ना, रामगंज के मिल रहे हैं तो रामगंज में बनाइए, उसमें बहुत सी जगह हैं, आपका दरबार स्कूल है मेरे विचार से खाली पड़ा है, जलेब चौक खाली पड़ा है और वो पुरानी विधानसभा भवन भी खाली पड़ा है, तो इनको क्वारंटाइन सेंटर के रूप में हम काम ले सकते हैं। सरकार को सीरियसली इस बात में सोचना चाहिए कि संक्रमण को रामगंज तक ही सीमित रखे, वहीं उसको खत्म कर दिया जाए, शहर में ना फैलाया जाए।
निश्चित तौर पर अशोक जी, मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह भी है कि लगातार हर फील्ड के, हर क्षेत्र के लोग ये लोगों को कह रहे हैं कि भैया आप अपने घरों पर ही रहें, बाहर ना निकलें, और जो संक्रमित हैं वो तो विशेष रूप से अंदर ही रहें या अपना ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार या जुकाम होता है तो आप नजदीक के सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं या जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें आप फोन कर सकते हैं, तो मेडिकल टीम आपके घर आकर आपको पूरी तरह से ट्रीटमेंट देगी। सरकार भी पूरी तरह से लगी हुई है इसी काम में, सेवा के काम में लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके बहुत से लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल से भी भाग जाते हैं और वो सूचना भी नहीं दे रहे कि उनको उनकी उनको फीवर है या उनको जुकाम है या उनको लगातार कुछ दिनों से बुखार है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसे लोगों की समाज में क्या स्थिति होती है? जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक जी, और ये बहुत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये तीन जो डिविजन किए हैं, रेड जोन और दूसरे जोन हमने किए, ग्रीन जोन और दूसरा केसरिया जोन का जो डिविजन किया, इसका कारण ये क्लियर है कि जहाँ मैक्सिमम संक्रमित लोग हैं उनको तो टोटल फ्री कर दिया जाए, उनको तो किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, और जो थोड़े से बेटर है उनको दूसरी तरह से स्ट्रेटेजिकली हम उनको ट्रीट करें, और जो ग्रीन जोन है उनमें हम अपनी एक्टिविटीज या दूसरी तरह की, क्योंकि अल्टीमेटली रोजगार से भी इसका इफेक्ट हो रहा है और हमारी आर्थिक व्यवस्था भी चरमराने की संभावना है, तो रोग के इलाज के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इसके साथ साथ रोजगार भी मुहैया हो, लोगों की एक्टिविटीज भी नॉर्मलाइज हो, और जो संक्रमित जो मरीज है उनको मैक्सिमम तरीके से हम उनको आइसोलेट करके और उनको क्वारंटाइन करके उनका ट्रीटमेंट, तो ये निश्चित रूप से देखना पड़ेगा कि ये जो तीन डिविजन किए हैं इनको हम प्रॉपरली फॉलो करें और अधिक से अधिक लोग घरों में रहें, और आइसोलेशन जो है वो इसका सबसे बढ़िया इलाज है क्योंकि प्रूव्ड इफेक्ट है और इसको सफलता पूरी तरह से मिली है, तो आइसोलेशन क्वारंटाइन कर करके और प्रॉपर तरीके से इलाज करके आइसोलेटेड सेंटर्स बना करके हम उसमें आराम से विजय कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिल जी, आप ऐसे लोगों को क्या, जी जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उन रूप से हमें कार्रवाई करनी चाहिए, जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इसका संक्रमण को बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार को बहुत स्ट्रॉन्ग टू मेजर करना चाहिए, और जो लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं डॉक्टर्स हैं स्टाफ के लोग हैं उनको अधिकतम उनको सुविधाएं दी जाए और उनके लिए अधिकतम ये कोशिश की जाए कि वो प्रोत्साहित हो, पब्लिक उनको सपोर्ट करे, सरकार उनको सपोर्ट करे, और ऐसी स्थिति बनी चाहिए कि कोरोना से लड़ाई हमारी अंतिम जो लड़ाई है उसमें हम विजय प्राप्त। निश्चित रूप से कोरोना पर हम विजय प्राप्त करेंगे और करेंगे जभी जब आप और हम सब मिलकर साथ रहेंगे और सरकार के आदेश की पालना करेंगे, डॉक्टरों के आदेश की पालना करेंगे, तब जाकर हम इस युद्ध में निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। और एक सवाल मैं अनिल जी आपसे ये भी करना चाह रहा था कि लगातार जिस तरह एक माहौल ऐसा भी बन गया है कि लोगों को लगता है कि उन्हें आइसोलेट करेंगे तो 14 दिन तक उनको सही तरीके से खाना नहीं मिलेगा, पता नहीं उनके साथ क्या व्यवहार होगा, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको समय से चाय नाश्ता भी मिलेगा और आपको समय से सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक सामान्य लोगों को मिलती है। ये सरकार ने भी पूरी इसकी व्यवस्था कर रखी है, बावजूद इसके लोगों में मानसिक तनाव इस बात को लेकर है कि वहां जाने के बाद पता नहीं उन्हें जेल में जैसे कैदियों को रखते हैं वैसा रखेंगे। इसके बारे में आप कुछ दर्शकों को बताइए कि भाई ऐसा माहौल नहीं है, ताकि आपके जो फैन फॉलोअर्स हैं जो आपको टीवी सीरियल्स में देखते रहते हैं उनको भी लगे कि हाँ ये वाकई सरकार का एक अच्छा कदम है और सरकार उनको पूरी तरह से उनका ख्याल रख रही है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वह अवेयरनेस की। लोग सोच रहे हैं कि कोरोना जानलेवा है और इस बात को वो लोग भूल जाते हैं कि कोरोना के पेशेंट को ठीक करने का सबसे पहला कारनामा जयपुर ने ही किया है। तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, आगे आके इलाज करवाने की जरूरत है, खुद बताने की जरूरत है। और जो हमारे कोरोना सेंटर के हालात हैं उसमें आपका मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है कि वहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ क्या सुविधाएं हैं, कैसे रखा जाता है। हम लोग तो जानते हैं व्यक्तिगत रूप से कि वहाँ समय पे चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है, दवाइयां मिलती हैं, मनोरंजन के भी साधन है, सब चीजें वहां पे है। लेकिन ये बात जन जन तक पहुंचाने का काम आपका मीडिया ही कर सकता है कि आपको 14 दिन तक कोई जेल में नहीं भेजा जा रहा है, आपके स्वास्थ्य का पूरी तरह से
पूरे साइंटिफिक तरीके से आपका ख्याल रखा जाएगा। तो ये काम आपके मीडिया को करना पड़ेगा। मैं यहाँ के लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि जो लोग बाहर से आए हैं, जिनकी विदेश ट्रेवल हिस्ट्री है या विदेशी लोगों के संपर्क में आए हैं, वो लोग स्वेच्छा से आगे आए और प्रशासन को अपने बारे में बताएं कि भाई मैं विदेश यात्रा पे गया था या किसी विदेशी के संपर्क में आया था और मुझ में कुछ लक्षण ऐसे आ रहे हैं कोरोना जैसे, तो जांच करवाएं। और सबसे बड़ा दायित्व हो जाता है पड़ोसी का, कि हर पड़ोसी अपने पड़ोसी का ख्याल रखे कि उसमें उसकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, वो कहीं बाहर तो नहीं गया था, उसमें कुछ लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे। अगर वो छुप के बैठ रहा है, वो नहीं बता रहा है, तो एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए उसको बचाने के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम सूचना प्रशासन को दे कि भाई मेरे पड़ोसी की तबीयत खराब लग रही है, उसमें कोरोना के लक्षण लग रहे हैं, प्रशासन आए उसकी जांच करे। और जैसा कि अनिल जी ने कहा, मीडिया कर्मियों से भी हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि वो सच्ची और सही जो तस्वीर है वो आम जनता तक पहुंचे, ताकि उनमें अवेयरनेस आए और उनको लगे कि नहीं, अगर क्वारंटाइन भी उनको किया जा रहा है तो उनके लिए सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन कुछ अपवाद जरूर होते हैं, जैसे राजस्थान में भी हमने देखा है, जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस कर्मी हैं और जो मीडिया कर्मी हैं, उन सबको सैल्यूट है हमारी तरफ से कि वो रात दिन एक करके अपनी जान जो है जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसा कि हम कल भी देख रहे थे कि पुलिस ने मेडिकल के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। लेकिन इस तरह के जो माहौल है उनसे हमको बचना चाहिए और एक अपने व्यवहार को भी संतुलित करके एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो मेडिकल के लोग हों, तो सभी को इस समय एक साथ जुट होकर काम करना है, जिससे कि एक दूसरे की का सम्मान भी बना रहे और हमारी जान भी बची रहे। अशोक जी, आप एक कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, एक चित्रकार भी हैं। जी हाँ जी जी, मैं इसी बात को शेयर करना चाहता था कि हाँ बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है आपकी और मैं ये शेयर कर रहा हूँ विशेष रूप से कि इस दौरान में पूरे विश्व स्तर पर बल्कि हिंदुस्तान के चित्रकारों ने, संगीतकारों ने, थिएटर वालों ने जबरदस्त उत्साहजनक अपना प्रदर्शन किया है और उन्होंने बड़े पॉजिटिव रोल इसके लिए अपना किया है और कुछ कविताएं भी लिखी, कुछ कलाकारों ने अपनी कलाकृतियां भी प्रस्तुत की है। मैंने भी पूरे इस दौरान में जो है वो देवी भागवत और सरस्वती को लेकर के कुछ चित्र बनाए हैं। इस दौरान एक छोटी सी कविता मैं लिखी है जो बता देता हूँ आपको। हर जगह तुम पहुंचे नहीं, हर जगह तुम पहुंचे तो नहीं, लेकिन तुम्हारी खबर आ गई कि तुम अपने साथ दृश्य फौज लेकर आए हो। हर जगह तुम पहुंचे तो नहीं, लेकिन तुम्हारी खबर आ गई कि तुम अपने साथ अदृश्य फौज लेकर आए हो। इसीलिए तुम्हारी घात खतरनाक है, कोई शस्त्र कारगर नहीं तुमसे लड़ाई के लिए, कुछ चोटकों के सिवाय। फिलहाल तुमसे दूरियां बनाना ही सही है, फिलहाल तुमसे दूरियां बनाना ही सही है, तुम्हें हराना है कोरोना, तुम्हें हराना है कोरोना। तो मैं ये विनम्र निवेदन करता हूँ, जन जन की भागीदारी के साथ हम इस युद्ध में विजय प्राप्त करें, जन जन की भागीदारी किसके साथ, जो कोरोना वॉरियर्स है उनके साथ हम सहयोग करें, जन जन की भागीदारी के साथ हमारी अपनी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा समाज इसके साथ जुड़कर के पूरे विश्व की व्यापी जो ये आपदा है इसके साथ एकजुट होकर की लड़ाई करें। और सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है, कोरोना को हराना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, कोरोना का सदा सर्वदा के लिए कोरोना का सर्वनाश। बहुत खूब अशोक जी, बहुत अच्छा आपने लिखा है और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आपकी इस बात पर अमल भी करेंगे। और क्योंकि रंगकर्मी हैं हमारे साथी अनिल जी, और मैं अनिल जी आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे आज सुबह ही मेरे एक दोस्त का मेरे पास कॉल आया, उनका ये कहना था कि दीपक जी मैं क्या करूं, घर बैठे बैठे परेशान हो गया हूं। और उन्होंने मुझे दो लाइनें सुनाई कि मैं तो तेरे ख्याल को 100 बार छोड़ दूं, मैं तो तेरे ख्याल को 100 बार छोड़ दूं, पर तेरा ख्याल है कि छोड़ता नहीं कोरोना। वो कहते हैं मैं चाहकर भी कोरोना को भूल नहीं पाता हूँ, भूल नहीं पाता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप रंगकर्मी हैं, आप सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करते रहते हैं, अशोक जी भी करते रहते हैं, एक युवा की भांति अशोक जी भी करते रहते हैं, आप खुद युवा हैं, तो आप कोई हमें डायलॉग या कोई आपके ऐसे यादगार क्षण या कोई ऐसी चीज आपको सुनाए जिससे कि थोड़ा हमारे दर्शक भी कूल रहे। देखिये मैं एक बात कहता हूँ, कोरोना पे मैंने एक लाइन लिखी थी
जी कि शत्रु ये अदृश्य है, शत्रु ये अदृश्य है, परिणाम तेरे सदृश्य है। क्या बात। देना चाहता है अगर मौत का मार, तो घर से निकल मत, निकल मत, निकल मत। क्या बात है, बहुत cool। देखो हम जहां तक मैं समझता हूं तो इतनी बड़ी बात नहीं है कोरोना कि इतना पैनिक हुआ जाए। मैं तो कहता हूं कि एक अच्छा मौका दिया है परमात्मा ने हमें घर में रह के अपने आप पे विचार करने का। हमारे जो संबंध मृत प्राय हो जाते हैं ना घर में, यांत्रिक हो जाते हैं, बाप बेटे का, पति पत्नी का, जो शिकायत करते हैं कि समय नहीं है, अब समय ही समय है उन संबंधों को संजीवनी देने का, उनकी जड़ों में पानी सींचने का और नजदीक आने का। तो मैं कहता हूं कि जब हम इस कोरोना की महामारी से बाहर आएंगे ना, तो हम एक परिवार के रूप में और सुदृढ़ होकर आएंगे। जब परिवार सुदृढ़ होगा तो हमारा समाज भी सुदृढ़ होकर आएगा, और समाज जब सुदृढ़ होगा तो देश तो सुदृढ़ होना ही है। तो इसमें पॉजिटिव सोचिए कि कहीं नेगेटिव है ही नहीं। और जी कुछ एक घटनाओं का जिक्र आपने दीपक जी किया कि मारपीट के, भागने के, अब देखो हम लोगों के एक सीमित दायरा हो गया कि हम घर में कैद हो गए। जी। आपका दायरा घर घर तक है, आप यहाँ बैठे बैठे हर एक घर तक पहुंच रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि जितनी भी पॉजिटिव खबरें हैं ना, उनको प्रमुखता से दिखाया जाए, और सेंसर करनी पड़े ना नेगेटिव खबरें उनको कर ही दीजिए। जी, कुछ जी, नहीं लेना देना, बाद में वो केस सुलझते रहेंगे, मारपीट, ये पीट भागना, अभी सिर्फ अच्छी अच्छी खबरें दिखाइए। इसके साथ साथ हम, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो राजस्थान के अशोक गहलोत जी, वो पूरी तरह से तैयारी में है, सभी का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन बावजूद भी इसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर हो जाती है, तो वो उसको दरकिनार कीजिए और आगे बढ़िए आप खुद, क्योंकि सारे काम जो है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो केंद्र सरकार में, वो खुद सारे काम या सरकार जो है सारे काम नहीं कर सकती है। हमको खुद को आगे आना होगा और समाज के साथ, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमको काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस युद्ध से लड़ेंगे। क्योंकि देखिए, राजा जो होता है वो युद्ध में सबसे पहले आगे नहीं जाता है, उसमें हम लोगों को भी राजा के साथ में सहयोग करना पड़ेगा, ताकि हम इसको जीत सकें और एक स्वस्थ समाज का जो निर्माण है